नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजरें डालते हैं आज के कुछ हेडलाइंस पर। अदालत की अवमानना के मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार किया। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे का ठेका अदानी इंटरप्राइजेस को दिए जाने के खिलाफ राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को पिछले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय ने 2 से 3 दिन का समय दिया था ताकि वे खुद पर लगे न्यायालय की अवमानना के आरोप के बारे में सोच विचार कर माफी मांग ले। लेकिन आज प्रशांत भूषण ने अदालत में एक स्टेटमेंट के जरिए माफी मांगने से इनकार किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिन विचारों में मेरा विश्वास है उनके लिए अदालत से माफी मांगकर मैं अपने विवेक की अवमानना करूंगा। बयान में यह भी कहा गया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय उम्मीद की आखिरी किरण की तरह है और लोकतांत्रिक देशों में से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सबसे अधिक ताकतवर कहा जाना बिल्कुल सही है। इसलिए इस न्यायालय का एक भाग होने की वजह से मेरी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुझे लगता है कि यह अपने बेहतरीन इतिहास से विचलित हो रहा है तो मैं इसके लिए आवाज उठाऊं। इस बयान के बाद कोर्ट ने अपनी कार्यवाही कल तक के लिए टाल दी और प्रशांत भूषण को 1 दिन का समय दिया गया अपने बयान को वापस लेने का। प्रशांत भूषण पर देश के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे पर उनके ट्वीट के लिए न्यायालय की अवमानना का केस चला और उन्हें इसका दोषी माना गया। इस मामले से कोर्ट की अवमानना से जुड़े कानून पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। आइए देखते हैं लेखक और वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय इस कानून के इतिहास के बारे में क्या कह रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के ठीक 1 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक सीमा के अंदर नियंत्रित करने की कोशिश की। वरिष्ठ सिविल राइट्स वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कंटेम्प्ट के लिए दोषी घोषित किया। गौरतलब है पिटिशनर ने अटॉर्नी जनरल से परमिशन नहीं लिया था, जैसा कि कानून और कन्वेंशन में होता आया है। इसके बावजूद कोर्ट ने पिटिशन को एडमिट किया और सुनवाई की और जजमेंट दिया। रेपुटेड लीगल सर्कल्स में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से और इस पूरे प्रोसेस से बहुत डिसकंटेंट है। अरुण शौरी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कैसा अपराध है जिसको डिफेंड ही नहीं करने दिया गया। इफ द कोर्ट इज सो ऑफेंडेड बाय द कमेंट ऑफ समवन इट इज बाय लॉ बाउंड टू गिव हिम द ऑपर्चुनिटी टू प्रूव हिज असर्शन दैट व्हिच इज सेड इज नथिंग बट द ट्रूथ। प्रशांत भूषण ने क्या ट्वीट किया था ये आप लोग सब जानते हैं। जजमेंट के पहले उनको अवसर भी नहीं दिया गया उस बात को साबित या किसी और को डिस्प्रूव करने का। तो ये कैसा कंटेम्प्ट लॉ है जिसके तहत सो कॉल्ड कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट्स और एक्शन को सत्य साबित करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। कब से चले आ रहे हैं हिंदुस्तान में ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉज। कंटेम्प्ट लॉज का इतिहास प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। माना जाता है 1926 के कानून के कंपैरिजन में 1971 के एक्ट ने कोर्ट्स के पावर्स को कर्टेल किया, परंतु जैसा हमको अभी लगता है इसमें और रिफॉर्म्स की जरूरत है। मार्च 2018 में कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को 1971 के लॉ को इवैल्यूएट करने के लिए कहा, स्पेसिफिकली टू कंसिडर एन अमेंडमेंट टू द 1971 एक्ट टू रेस्ट्रिक्ट द डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट टू ओनली विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ डायरेक्शन और जजमेंट ऑफ द कोर्ट। लॉ कमीशन ने शोध के बाद पाया कि हिंदुस्तान में कंटेम्प्ट के बहुत मामले हैं। उस समय टोटल पेंडिंग केसेस वर 96,993 केसेस ऑफ सिविल कंटेम्प्ट एंड 583 केसेस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट।
कमीशन ने सरकार को इन्फॉर्म किया दुनिया में बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने कंटेंप्ट लॉज एबॉलिश कर ही दिया है, यूनाइटेड किंगडम उनमें से एक है। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसा कि आप सब जानते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, लेकिन वहां उन्होंने कंटेंप्ट लॉ को एबॉलिश कर दिया, हमारे यहां अभी भी बरकरार है। अल्टीमेटली लॉ कमीशन ने कहा कि 1971 के एक्ट को ऑलरेडी दो बार लिमिटेड अमेंडमेंट किया जा चुका है, 1976 में और 2006 में, एज पर द नीड ऑफ द टाइम। एनी फर्दर अमेंडमेंट, कमीशन ने कहा, वुड नॉट बी अ मीनिंगफुल एक्सरसाइज एंड नॉट इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। 1971 के एक्ट के अलावा दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे अदालतों को कंटेंप्ट को पनिश करने का पावर देता है। आर्टिकल्स 129 एंड 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू पनिश पीपल फॉर कंटेंप्ट। अनडाउटेडली इंडियन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लॉज में बहुत एम्बिग्युइटी है, हियरिंग का प्रोसेस भी बहुत आर्बिटरी है। महात्मा गांधी ने नवंबर 1921 में यंग इंडिया पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा था, व्हाट इज अब्यूज। उन्होंने एलैबोरेट किया था, बट व्हाट आफ्टर ऑल इज अब्यूज। आई फाइंड द डिक्शनरी मीनिंग मिसयूज, प्रिवेंशन और बैड यूज। When therefore we call a thief or a rogue, we do not abuse him. Prashant Bhushan केस में criticism यही है। उन्होंने जो भी कहा, उसका तो assessment court में हुआ ही नहीं। क्या सही है, क्या गलत कहा उन्होंने? प्रशांत भूषण ने गांधी जी के नाम को अपने केस में invoke किया है। उनको हम आज का गांधी नहीं कह रहे हैं, परंतु प्रशांत भूषण केस हमारे कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के फ्लॉज को हाईलाइट करता है। हमको इसको रिव्यू करने की जरूरत है। केरल विधानसभा में आज त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे के निजीकरण के खिलाफ एक मत से प्रस्ताव पारित हुआ। केंद्र सरकार ने अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को इस हवाई अड्डे का संचालन और मैनेजमेंट लीज पर दिया है। केरल सरकार ने भी इसके लिए टेंडर भरा था। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें इस प्रस्ताव को पेश करने और केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग करना तय किया गया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार अदानी इंटरप्राइजेस द्वारा दिए गए दाम देने के लिए राजी थी, फिर भी केंद्र सरकार ने हवाई अड्डे को निजी हाथों में दिया, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। सदन में विपक्ष के नेता रमेश चेनीथला ने हालांकि प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार पर चोरी छिपे अदानी इंटरप्राइजेस की मदद करने का भी आरोप लगाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार का पक्ष खुली किताब है। थोड़ी देर की बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित होने की घोषणा कर दी। भाजपा का आरोप है कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ, क्योंकि उनके इकलौते विधायक को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री विजयन पहले ही दो बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर फैसला वापस लेने की मांग कर चुके हैं। गौरतलब है कि अडानी इंटरप्राइजेज ने फरवरी 2019 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत नीलामी में त्रिवेंद्रम सहित 6 हवाई अड्डे को चलाने के लिए अधिकार हासिल किए थे। आज के डेली रॉडअप में इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।